गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आप बहुत अच्छे होंगे। और आपको और अच्छा बनाने के लिए, आपकी सेहत से जुड़ी सारी परेशानियों को दूर करने के लिए मैं अपने चैनल पर रोज कुछ नया लेकर आती हूँ, ताकि आप उसे देखें, समझें और फॉलो करके अपनी जिंदगी को और खुशनुमा बनाएं। ठीक है, तो आज आपकी जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए एक और वीडियो आज आपके सामने है, जो आपकी सेहत को बहुत अच्छा कर देगा, आपके शरीर की सारी जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियां हैं उनको दूर कर देगा और आप पहले से बहुत एक्टिव फील करेंगे। जिसे टाइटल पढ़ के आपको पता ही चल गया होगा, मैं बात करने वाली हूँ पानी के सही तरीके की, वो भी गर्म पानी की। पानी एक ऐसी चीज है जिसका अगर हमें सही तरीका पता हो तो आप अपने शरीर से जुड़ी बहुत सारी बीमारियों को खुद घर में बैठे बैठे चुटकियों में दूर कर सकते हैं। लेकिन पानी कब पीना है, कैसे पीना है और कितनी मात्रा में पीना है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो पहली चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सुबह उठकर बासी मुंह आपने गर्म पानी पीना है। गर्म पानी कितना? कोसा नहीं, लुकवार्म वाटर नहीं, बल्कि बिल्कुल चाय की तरह गर्म। बहुत सारे लोग सोने के उठने के बाद बहुत ज्यादा अनएनर्जेटिक फील करते हैं, है ना, उनकी बॉडी में एकदम लेजीपन रहता है, जिसके लिए वो चाय और कॉफी का सहारा लेते हैं। लेकिन चाय और कॉफी आपको हाफ एन आवर के लिए एक्टिव तो करती है, लेकिन पूरे दिन का डाइजेशन आपका बिल्कुल खराब कर देती है। मतलब जो भी आप खाएंगे वो आपके शरीर में सड़ने लगेगा, आपके बॉडी में एसिड ज्यादा बनेगा, गैस की प्रॉब्लम होगी, फैट की समस्या आने लगेगी, ब्लॉटिंग की समस्या आएगी, खट्टे डकारे होने लगेंगी। तो सुबह उठते ही आपने चाय और कॉफी का सहारा ना लेते हुए बल्कि आपने एक गिलास गर्म पानी पीना है। गर्म पानी इतना नहीं कि आपका मुंह जल जाए, बल्कि इतना जो आपके शरीर के गंदगी को बाहर निकाले। आपने कुल्ला नहीं करना, आपने थूकना नहीं है, बल्कि गर्म पानी आपने चाय की तरह सिप सिप करके पीना है। जब वो पानी आपके गले से उतरते हुए आपके शरीर में जाएगा तो आपके शरीर में जितनी भी गंदगी चिपकी हुई है ना, आपकी आंतों से, आपके ऑर्गन से, वो सारी फ्लश आउट हो जाएगी। किसके थ्रू? यूरिन के थ्रू और पॉटी के थ्रू। आपका शरीर एकदम साफ हो जाएगा, आप इंस्टेंट एनर्जेटिक फील करेंगे, आपकी बॉडी में लेजीनेस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये सुबह मेरी ट्रिक आपने जरूर फॉलो करनी है। नंबर टू पर आता है पानी कब पीना है। जब आप ब्रेकफास्ट करते हैं उसके 45 मिनट बाद आपने पानी पीना है, वो भी कोसा, ज्यादा गर्म नहीं, जो सुबह हमने पिया था वो नहीं, बल्कि लुकवार्म वाटर। उससे क्या होगा, जो आप खाते हैं वो आपको पचना शुरू हो जाता है। अगर गर्म पानी की जगह आप रूम टेम्परेचर वाला पानी पीते हैं, जैसे विंटर्स में आजकल ठंडा हो जाता है क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा है, तो आपके वो शरीर में सड़ने लगता है। जो भी आप खाना खाते हैं उस पर से पानी जब पीते हैं तो आपके शरीर में वो पचेगा नहीं, आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है। लेकिन गर्म पानी अगर आप ब्रेकफास्ट के 45 मिनट बाद पियेंगे तो आपका वो जो खाया हुआ है बहुत अच्छे से पचेगा, आपको एनर्जी देगा, जो आपको खाने से पोषण मिलने थे वो भी मिलने शुरू हो जाएंगे। और इम्पोर्टेंट चीज, खाने के बीच में, खाने से एक घंटा पहले आपको पानी पीना है, ना कि खाने के बीच में पानी पीना है, और खाना खाने के 45 मिनट बाद आपको पानी पीना है। इस चीज को अपने लाइफ में एक गांठ की तरह बांध लीजिए, समझ जाइए। अगर आपने ये गांठ अपने से बांध ली तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि आपको कभी कोई बीमारी नहीं लगेगी। तो ये तो हो गई चीज। अब आपने लंच किया, उसके भी 45 मिनट बाद आप गर्म पानी पिए, तो आप नोटिस करेंगे जितना भी जो आप खा रहे हैं ना वो आपके शरीर में फैलेगा नहीं, मतलब फैट के रूप में कन्वर्ट नहीं होगा। सेम आपने डिनर में भी यही करा है, जब आप डिनर करेंगे तो 45 मिनट बाद आपने गर्म पानी पीना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर टू की तरफ। बहुत लोगों की कंप्लेंट आती है, दी आपने हमें इतने सारे फेस पैक बताए हैं, फेस योगा बताए हैं, लेकिन मेरे फेस पे पिंपल बहुत ज्यादा है, स्किन डल हो चुकी है, एज नहीं झुर्रियां आने लगी हैं, स्किन देखो हमेशा ड्राई रहती है, ग्लो खत्म हो गया है ना। तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि आज से पूरा दिन आप गर्म पानी अपनी जिंदगी में शामिल कर लें। आपके शरीर से सारे टॉक्सिन्स को निकालता है, आपके ब्लड को प्योरीफाई करता है, आपके शरीर में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल को खत्म करता है। जब आपका शरीर इंटरनली साफ होगा तो आपको ऊपर से भी कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी स्किन इतनी स्मूथ और बेबी सॉफ्ट हो जाएगी, पिंपल हो, एक्ने हो, रिंकल्स हो, ये सब दूर हो जाएगा और आपकी स्किन पे एकदम एक नूर आ जाएगा, एक ग्लो आ जाएगा। इसी के साथ आप बढ़ते हैं पॉइंट नंबर थ्री की तरफ। अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, बाल बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं, डैंड्रफ की समस्या बहुत ज्यादा है, आपके बालों में शाइन नहीं, आपके बाल बिल्कुल डल पड़ गए हैं, तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि आज से आप गर्म पानी पीना शुरू करें, आपका डैंड्रफ खत्म हो जाएगा, आपके बालों में शाइन आ जाएगी, आपके बालों का झड़ना बंद हो जाएगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर फोर की। पॉइंट नंबर फोर क्या है? अगर आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, आप बहुत टेंशन में रहते हैं, बहुत स्ट्रेस में रहने लगे कि आपका वजन कम नहीं हो रहा, तो गर्म पानी पीने से मैं आपको चैलेंज करती हूँ, एक महीने में आप बिना एक्सरसाइज के, बिना डाइट के 7 से 8 किलो वजन घटा लेंगे, वो भी सिर्फ गर्म पानी के सेवन से। क्या करना है? रूम टेम्परेचर वाला पानी हमने बैन कर देना है,
पूरा दिन हमने पीना है गर्म पानी। अगर आपको आलस आता है बार बार गर्म करने में तो मेरी तरह आप इस टेक्निक को फॉलो करें। 2 बॉटल रोजाना की गर्म पानी भरकर आप अपने पास रख लें, ना आपको बार बार गर्म करना पड़ेगा, ना ही झंझट रहेगा और आपका वेट लॉस अपने आप होना स्टार्ट हो जाएगा। आपके शरीर में जितना भी चर्बी जो जम गई है ना, जो मेल्ट होने का नाम नहीं ले रही, चाहे आपको PCOS है, चाहे PCOD है या डायबिटीज है, आपकी सब प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5। गर्ल्स के मैसेजेस आते हैं बहुत सारे मेरे पास कि दी हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से पीरियड्स इरेगुलर हैं। आज सपोज फर्स्ट है तो फर्स्ट को आए हैं तो नेक्स्ट फर्स्ट को नहीं आते, बल्कि 1 वीक या 15 डेज पहले आ जाते हैं या और ज्यादा गैप आ जाता है। जो भी आपके पीरियड से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो भी अगर आप गर्म पानी पीते हैं तो आपको दर्द में जो पेन होता है उसमें भी आराम मिलता है और आपके जो हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है बॉडी में वो बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को जोड़ों का दर्द होता है, मांसपेशियों में सर्दियों में सूजन आ जाती है, आपका शरीर एकदम अकड़ सा जाता है, खुलता ही नहीं है सुबह उठते हैं। तो अगर आप गर्म पानी पियेंगे ये आपके शरीर में एक एनर्जी पैदा करेगा, आपके जॉइंट का पेन बिल्कुल चला जाएगा, पहले से कहीं ज्यादा एक्टिव फील करेंगे। बहुत लोगों को ऐसा होता है कि हद से ज्यादा लेजी बना जाता है सर्दियों में, लगता है कोई खाना ला कर दे दे और मुंह में भी डाल दे, बस चबाना चबाना पड़े क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा लगती है, बॉडी खुलती नहीं, आप क्या करेंगे। ऐसे में गर्म पानी पिए आपका शरीर पहले से कहीं ज्यादा एनर्जेटिक फील करेगा। आप फटाफट अपने घर के सारे काम, ऑफिस के काम, बच्चों को लेना या अपने सेल्फ, जितने भी हमारे खुद के पर्सनल काम है उनको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और मैं आपको चैलेंज देती हूँ, आपके पूरे शरीर पर रिंकल्स समय से पहले नहीं आएंगे, आपकी एजिंग डिले हो जाएगी, जिसके लिए हम महंगी महंगी क्रीम खरीदते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं अपने फेस पे एजिंग ना आने के लिए। तो आपने देखा गर्म पानी के कितने ज्यादा फायदे हैं, हद से ज्यादा फायदे हैं, चाहे आपकी स्किन हो, चाहे आपका वेट मैनेज करना हो, ये सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकता है, वो भी जड़ से। आप अगर किसी चीज का ट्रीटमेंट लेने जाते हैं डॉक्टर के पास तो वो टेम्पररी टाइम के लिए आपकी चीज को दबाता है। बहुत सारे लोगों को सर्दियों में छाती में बहुत कंजेशन होता है, छोटे बच्चों को भी होता है, बहुत ज्यादा कफ बनता है, नाक बहती रहती है बच्चों की, हमेशा उनको रुमाल से पोंछना पड़ता है, इनफैक्ट बड़ों की भी। तो अगर आपको ये सारी तकलीफें हैं तो भी आप नोटिस करना कि आप गर्म पानी अपने बच्चों को दें, खुद सेवन करें, आपके अंदर से कंजेशन बनना बंद हो जाएगा, आप अच्छे से सांस ले पाएंगे। बहुत लोगों को अस्थमा की समस्या होती है, सर्दियों को सांस लेना भारी हो जाता है, तो ऐसे में आप गर्म पानी को अपनी जिंदगी में शामिल करें और फिर देखें अपनी जिंदगी में आने वाले बदलाव। लेकिन एक चीज और बताना चाहूंगी कि मेरे चैनल पर बहुत सारे योग आसन है, उनको भी फॉलो करें। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो खाली बैठे बैठे अपने नेल्स को इस तरीके से रब करें, जब भी ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं खाना बन रहा है, कोई तड़का बन रहा है, कपड़े धो रहे हैं, तो भी इस तरीके से रब करें अपने नेल्स को, इससे आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। तो बस इस चीजों को अपनी जिंदगी में शामिल करें। चाहे तो आप गर्म पानी सिंपल पी सकते हैं या उसमें आप नींबू का रस डाल सकते हैं जो आपके लिए और ज्यादा फायदेमंद है, जल्दी से वेट लॉस करेगा। चाहे तो आप अदरक का रस डाल सकते हैं, चाहे तो उसमें जीरा डाल के पी सकते हैं पूरे दिन में, अजवाइन डाल के पी सकते हैं। अजवाइन तो आपको पता ही है हमारे पेट में सारी ब्लॉटिंग की समस्या को भी दूर करती है, वेट को भी मैनेज करती है। तो आप हनी डाल के पी सकते हैं जिससे आपकी स्किन पे और ज्यादा ग्लो आएगा। तो बस आपने ये मान लेना है, आज से ठान लेना है कि आपने गर्म पानी पीना ही पीना है और गर्मियों में भी आपने फ्रिज के पानी का सेवन नहीं करना। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। बस बस बंद मत कर दो वीडियो, खत्म नहीं हुआ, लाइक तो कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जो छोटी घंटी आइकन है ना उसको प्रेस करते टाइम ऑल पे क्लिक करना ताकि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। चलिए आपका होमवर्क कंप्लीट होता है यहाँ पे, तो फटाफट से मुझे फॉलो करें और ऐसी हमेशा फूल की तरह हंसते मुस्कुराते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।